नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। वोडाफोन आइडिया के ग्राहक कृपया ध्यान दें, 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी वोडाफोन आइडिया की सर्विस। एजीआर बकाया चुकाने के लिए वोडाफोन आइडिया ने मांगा 18 साल का वक्त। जी हां, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मोबाइल डेटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपए प्रति जीबी की दर तय करने की मांग की है। यह मौजूदा दर का तकरीबन 7 से 8 गुना है। कंपनी ने इसके साथ ही एक निर्धारित मासिक शुल्क के साथ कॉल सेवाओं के लिए 6 पैसे प्रति मिनट की दर तय करने की मांग भी की है। कंपनी ने कहा है कि उसे एजीआर बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाने और उसके कारोबार को परिचालन योग्य बनाने के लिए 1 अप्रैल से ये नई दरें लागू की जानी चाहिए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कंपनी ने एजीआर बकाये के भुगतान के लिए 18 साल की समय सीमा की मांग की है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि उसे ब्याज और जुर्माने के भुगतान से 3 साल तक की छूट भी मिलनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार वोडाफोन आइडिया पर करीब 53,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। कंपनी ने अब तक दूर संचार विभाग को महज 3500 करोड़ रुपए ही भुगतान किया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप किस सिम के इंटरनेट से ये वीडियो देख रहे हैं। 1 अप्रैल से देश में बिकेगा सिर्फ BS6 पेट्रोल डीजल। IOC के चेयरमैन ने की कीमत बढ़ने की घोषणा। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने कहा कि वह कम उत्सर्जन वाले BS6 ईंधन की आपूर्ति पूरे देश में 1 अप्रैल 2020 से शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने कहा है कि इस वजह से ईंधन की कीमतों में मामूली वृद्धि भी होगी। IOC के चेयरमैन संजीव सिन्हा ने कहा कि कंपनी ने निम्न सल्फर डीजल और पेट्रोल का उत्पादन करने के लिए अपनी रिफाइनरियों को अपग्रेड करने पर 17,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। ईंधन के दाम में कितनी वृद्धि होगी यह बताए बगैर सिंह ने कहा कि 1 अप्रैल से ईंधन के खुदरा दाम में निश्चित वृद्धि होगी। इस दिन से पूरे देश में नया ईंधन बिकेगा जिसमें सल्फर की मात्रा केवल 10 पार्ट्स प्रति मिलियन यानी PPM होगी, जबकि मौजूदा ईंधन में इसकी मात्रा 50 PPM है। सिंह ने कहा कि मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि हम बहुत अधिक वृद्धि के जरिए उपभोक्ताओं पर बड़ा बोझ नहीं डालेंगे। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की मेहनत ने भारत को बनाया खाद्यान्न में आत्मनिर्भर। जी हां, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के परिश्रम, वैज्ञानिकों के शोध, नई किस्मों के बीज व सरकारी नीतियों के कारण आज हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। तोमर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 91वीं वार्षिक आम सभा की बैठक में भाग ले रहे थे। तोमर ने कहा कि कृषि और गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की प्राथमिकता में रखा। किसानों के परिश्रम, वैज्ञानिकों के शोध, नई किस्मों के बीज व सरकारी नीतियों के कारण आज हमारा देश भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के आह्वान में किसानों का उत्पादन, खेत की उत्पादकता और उन्हें उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इन सब में ICAR की भूमिका अहम है। तोमर ने बताया कि बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कड़ाके की ठंड के बाद अब पड़ने वाली है भीषण गर्मी। IMD ने कहा, मार्च से बढ़ने लगेगा तापमान। जी हां, इस साल की शुरुआत में पहले तो सर्दी ने सताया, वहीं अब मार्च, अप्रैल और मई में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अनुमान में कहा गया है कि इस साल गर्मी के मौसम में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में मार्च से लेकर मई तक औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने वाला है। वहीं जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गर्मी में औसतन अधिकतम तापमान 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। दुनिया भर के तापमान में इस साल बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ब्रिटेन के मौसम विभाग का कहना है कि इस साल गर्मी अधिक पड़ेगी और साथ ही अगले 5 साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के आसार हैं। कहा गया है कि साल 2020 से 24 के दौरान तापमान हर साल 1.06 डिग्री से 1.62 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से बढ़ सकता है।
हरियाणा का बजट पेश, किसानों के लिए बिजली दरें हुई सस्ती, 1,00,000 नई सरकारी नौकरियों का लक्ष्य। जी हां, हरियाणा का वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया है। बतौर वित्त मंत्री यह उनका पहला बजट है। सीएम मनोहर लाल ने बजट की परंपरा को तोड़ते हुए सूटकेस की जगह टैबलेट लेकर विधानसभा पहुंचे। उनके मुताबिक डिजिटल इंडिया पहल के लिए ये कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए बिजली के दाम कम कर दिए हैं। अब किसानों को 7.5 रुपए प्रति यूनिट की जगह 4.5 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। वहीं जिन प्रगतिशील किसानों ने फसल विविधीकरण को अपनाया है, उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित करने का प्रस्ताव है। इन मास्टर ट्रेनर को दूसरे किसानों को फसल विविधीकरण के सफलतापूर्वक प्रोत्साहन करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। आपको बता दें कि हर ब्लॉक में पराली खरीद केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां भी शुरू होंगी। बैसाखी पर नया रोजगार पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके जरिए 1,00,000 नए सरकारी रोजगार का लक्ष्य तय किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र को बजट का 15% आवंटित किया गया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने किया ऐलान, स्कूलों कॉलेजों में मुसलमानों को 5% आरक्षण। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे की एक बार फिर से वापसी होती दिखाई दे रही है। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार मुस्लिमों को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देने जा रही है। मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार स्कूलों कॉलेजों एवं अन्य जगहों पर पढ़ाई में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि संस्थानों में से मुसलमानों को कुल 5% आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी की शुरुआत में भी महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि वह सूबे में मुसलमानों के 5% आरक्षण को वापस लाने का विचार कर रही है। तब नवाब मलिक ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली राज्य सरकार प्रदेश में 5% मुस्लिम आरक्षण लाने के लिए कानूनी सलाह लेगी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है। अमित शाह ने कहा, सीएए में एक भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाने देंगे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेफ्ट और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सभी नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीए से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, हालांकि सच्चाई यह नहीं है। अमित शाह ने कहा कि हम नागरिकता संशोधन अधिनियम में एक भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया कि सीएए नागरिकता लेने का कानून नहीं है, जबकि नागरिकता देने का कानून है। नागरिकता उन लोगों को दी जाएगी जो विभाजन के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में छूट गए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय से आते हैं। रणदीप सुरजेवाला का रविशंकर प्रसाद पर पलटवार, कहा देश को ज्ञान देने से पहले बिहार में लागू करवाएं एनपीआर। यहां नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के मसले पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मसले पर कांग्रेस को घेरा तो कुछ ही देर बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें जवाब भी दे दिया। सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि देश को ज्ञान देने से पहले इसे बिहार में लागू करवा लें। दरअसल बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने ताजा एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी एनपीआर को 2010 में लाई थी, लेकिन अब जब मोदी सरकार इसे ला रही है तो वे इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर ही रणदीप सुरजेवाला ने जवाब दिया और लिखा कि आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, देश को एनपीआर पर ज्ञान देने से पहले आप इसे बिहार में क्यों नहीं लागू करवा लेते, जहां से आप सांसद हैं। बिहार में आरजेडी भाजपा की एक भाषा और देश में एक और आपके साथियों अकाली दल, एआईडीएमके, टीआरएस, वाईआरएस को भी ये ज्ञान कब देंगे। राज्यसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका देगी तृणमूल कांग्रेस, 5 सीटों के लिए होगा चुनाव। जी हां, राज्यसभा में अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व नए चेहरों को मौका देगा। 5वीं सीट पर उम्मीदवार के बारे में पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। विधानसभा में सीटों के वितरण के लिहाज से राज्यसभा की 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलेंगी, लेकिन 5वीं सीट पर माकपा कांग्रेस या फिर तृणमूल कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीतेगा। खाली हो रही 5 सीटों में से 4 सीटों पर फिलहाल जोगन चौधरी, मनीष गुप्ता, अहमद हसन इमरान और केडी सिंह शामिल हैं। ये चारों तृणमूल कांग्रेस से हैं।
अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी संभव है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में एक दो जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में एक दो जगहों पर हल्की बारिश संभव है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में न्यूनतम तापमान बढ़ सकते हैं। आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला सिम कार्ड कौन सा है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।